स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने बनाया भारत को खुले में शौच मुक्त 2019 में। इसके अंतर्गत बने 10 करोड़ से भी अधिक शौचालय, और ये अभियान बना विश्व की सबसे बड़ी व्यवहार परिवर्तन मुहिम। अब स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण चरण 2 का लक्ष्य है संपूर्ण स्वच्छता। ODF प्लस के तहत गांव में ODF सत्ता बनाए रखने एवं ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के उपायों को अपनाने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही स्वच्छता और जल आपूर्ति के नजदीकी संबंध को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता और नल से जल के माध्यम से स्वच्छ और सुजल ग्राम का लक्ष्य प्राप्त करना है। संपूर्ण स्वच्छता को प्राप्त करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन के 5 हिस्सों पर ध्यान देना जरूरी है। मलिय कचरा प्रबंधन, ग्रे वाटर गंदला जल प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, जैविक कचरा प्रबंधन, गोबरधन। इन सभी तरह के अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए कुछ आसान उपाय हैं। आइए शुरू करते हैं मलिय कचरा प्रबंधन से। इसका सबसे बेहतर उपाय है अपने एकल पिट शौचालय को ट्विन पिट में बदलना। अगर आपके शौचालय में सेप्टिक टैंक है तो उसमें एक सोक पिट जोड़ दें। ट्विन पिट से आपका शौचालय खुद ही साफ होता रहेगा। जब मल गाद ट्विन पिट शौचालय में सूखता है तब ये सूखा गाद उत्तम सोना खाद बन जाता है। इसे आप अपने बगीचे में उपयोग करें या बेचकर धन कमाएं। ये समाधान है आसान, प्रभावी और कम लागत वाले। अगर एकल पिट को बदलना संभव नहीं तो ध्यान रखें कि इसकी सफाई कभी आपके हाथों से ना हो। मल गाद की सफाई के लिए सिर्फ प्रमाणित पेशेवर सफाई कर्मियों की मदद लें, जो उपयुक्त उपकरणों और PPE किट से लैस हों। वह गाद को मल उपचार इकाई ले जाएंगे, जहां इसका उपचार और सुरक्षित निपटान होगा। अब बढ़ते हैं ग्रे वाटर गंदला जल प्रबंधन की तरफ। इसके लिए हमें 3 र का पालन करना होगा। रिड्यूस यानी ताजे पानी का कम उपयोग, रीयूज यानी ग्रे वाटर का पुनः उपयोग, जैसे पौधों के लिए, मवेशियों को नहलाने के लिए या शौचालय या फर्श की सफाई के लिए। रीचार्ज यानी अलग अलग तकनीकियों द्वारा ग्रे वाटर से भूजल का पुनः भरण करना। आप घर पर ही कुछ ही पैसों में किसी साधारण मटके से सोक पिट बना सकते हैं। सामुदायिक स्तर पर भी आप कम्युनिटी मैजिक पिट या वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड का उपयोग कर ग्रे वाटर प्रबंधन कर सकते हैं। इन उपायों से हम अपने घरों में इस्तेमाल किए हुए तकरीबन 60% पानी का पुनः उपयोग कर सकते हैं। आइए अब प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के बारे में जानते हैं। प्लास्टिक कचरा नियंत्रित करने के लिए 4 र का मंत्र है प्रभावी। रिफ्यूज यानी प्लास्टिक की चीजों को कहें ना। रिड्यूस यानी प्लास्टिक का उपयोग कम करें। रीयूज यानी प्लास्टिक की पुरानी चीजों को दोबारा इस्तेमाल करें। रिसाइकल यानी प्लास्टिक की अनुपयोगी चीजों का रूप बदलकर उपयोग करें। कचरे को पृथक करना अत्यंत आवश्यक है। सूखे और गीले कचरे को अलग अलग फेंकें। प्लास्टिक कचरे को कबाड़ी वाले को बेच दें, वो इसे प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई ले जाएंगे, जहां इसके बारीक टुकड़े किए जाएंगे और कई चीजें बनाने के लिए भेजा जाएगा, जैसे कि थैले और यहां तक कि सड़क भी। हमारा अगला विषय है जैविक कचरा प्रबंधन। अपने गीले या जैविक कचरे का कंपोस्टिंग द्वारा निपटान करें। रसोई और खेतों से निकलने वाला कचरा मटके या जमीन में डालें। इसे मिट्टी से ढकें और कीड़ों को अपना काम करने दें। वे कचरे को खाकर कुछ ही सप्ताह में उसका उत्तम खाद बना देंगे। और आखिर में आइए गोबरधन के बारे में जानते हैं। गोबर के 2 जरूरी उपयोग हैं। इसका कंपोस्ट बन सकता है और बायोगैस प्लांट द्वारा बायोगैस बन सकता है।
बायोगैस प्लांट गोबर से रसोई और रोशनी के लिए ईंधन बना देता है। अगर आपको कोई समस्या या दुविधा है तो अपने सरपंच की सलाह से इनका निवारण करें। उचित कचरा प्रबंधन के लिए आइए इन समाधानों को अपनाएं। चलिए साथ मिलकर संपूर्ण स्वच्छता को अपनी अगली मंजिल बनाएं एवं हमारे गांव को स्वच्छ और सुजल बनाएं।